ललितपुर गाँव में थे रघु सिंह तांकर गोटे बोली झील नाम सुप्रिया झीटी अति सान होता बेले रघु सिंह स्त्री परलोक गमन कले सुप्रिया को अति आदर जत्न बढ़ाई थे रघु सिंह सुप्रियार स्वभाव एपरीजे से माछी को म बोली कहना तेणे किसी अन्याय करना कि सहबना से जी सत् सेतिक साहसी भी घर पाखरे थांती जन संपर्किया माउसी तांकर सुप्रिया भल करी रोसेवास सीखी नहीं थाए तार रांधना खाई रघु सिंह पेट पूरवा संग को मन भी पुरुथाए सुप्रियार बाहाघर बयस होगला बरटीर स्वभाव भल होतीकला रघु सिंह अभिलाष से मन दे आखपाख अंचल बर खोजाखोजी आरंभ कले दिने हुबुली गाँवर जड़े बर पिता कन्या देखा आसबे बोली जड़े पड़ोशी खबर दे बर पिता आसी कन्या देखी बहुत खुशी होगले किंतु संगे संगे से कौन जवाब नदे दिनक पर खबर देवे बोली कही चलीगले से चली जापर रघु सिंह हसी हसी सुप्रिया को कहले झी मन हुए से माने हाँ कहे तू मो घर छाड़ी चली जावा आगर मत टे रोसेवास शिखे दे ना मु रांधि खाइबी केमती रघु सिंह सिना थटार एक कहती सुप्रिया किंतु से दुख पाए से बेले रघु सिंह आउ जे विशिष्ट बंधु आसी कहले रघु सुप्रिया गोटे भल बर मो मन अच्छी ता नाम प्रभाकर से आज आम घर को आ घर महुझर गाँव में जदि कहबू नहीं हुबुलीर जड़े विशिष्ट व्यक्ति आसी कन्या देखी जाइछंती किसी कही नहांती कहवा को अपेक्षा करूली रघु सिंह कहले से तो हाँ भरी नहांती अतए आम अन्यत्र देखा चाह कर असुविधा कौन से कहले रघु सिंह से प्रभाकर को नहीं आस कहले प्रभाकर आसला पिलाटी बहुत भल बोली जना पड़ा संसार तार कही नथिले बापा माँ घर टे किसी जमीजमा आउ केतोटी मईसी छाड़ जाइले से स्वच्छंद चलुला प्रभाकर विदाय नेबापर रघु सिंह बंधुता को पचारे कौन भावुछ पात्र पसंद कथा पक्का करदे रघु सिंह झीओ आड़े अनैले और बुझिले जे झीओ प्रभाकर को पसंद कर तेब से कहले मत दिन टे समय देवना हाँ हाँ तुम आगामी कल सका कहले चल प्रभाकर आज महुझर चली तेब आम जाकर खबर दवा बंधु कहले रघु सिंह किसी समय पर झी को कहले झी मुझे हुबुली जा खबर नहीं आसे दुईज जाक बर जनक आउ जे हाथ छड़ा हो जा ठीक हेबना रघु सिंह बाहरी जबार अल्प समय उतारू जड़े अपरिचित लोक आसी उंकी मारा सुप्रिया कहला आपन बोधे बापा को खोजुं से घरे लोकटी कहला जदि नहांती तेबे मोर जो खबर देवा कथा दे दी जाए शुणिली तुम बाहाघर महुझर गाँवर प्रभाकर सह पड़ी प्रभाकर दुई वर्ष काल चोरी अभियोग कारागारे थिला शुभेच्छा भाव में तुमको मुझे जनईदेली हठात एक खबर पाई सुप्रिया कौन कह कि भाभी पारा ना से लोकटीर परिचय पचार बोली द्वार पाखक चलीगला लोकटी सेत बड़ चली जावाक उद्यत है सुप्रिया उपर आखि पड़व से खाली थर हसीदेला और कहला मोर आउ कि कहबार ना लोकटी यह चलीगला सुप्रियार मुंड बुलाईदेला से बेस तेजी झी प्रभाकर विषय यह सत ना मिछ से एक निजे निरूपण करने को ठीक कला महुझर बेसी बाट नुहे से घरे ताला दे बाहरी गला प्रभाकर घर गाँ बाहर निछाटिया जगार से अक्लेशर सेठार पहुँचीगला प्रभाकर ताकू देखी हसी हसी घर भितर को पछोटी नेला आपण कौन चोरी अपराध में कारागार जाइले सुप्रिया बिना भूमिकार पचारा चोरी अभियोग चोरी अपराध में नुहे बस कहूँ प्रभाकर चौकी देखाइला और सुप्रिया गंभीर हो बसी पड़ा मात्रे सब गपिला पिला बेलू से बापा माँ को हराई जेजेमा ताकु पाली पोषी मनीष कर दिने से कौन कामरे सहर को जाऊला गोटे गाड़ी भड़ा करी अधा बाटे बुढ़ीटे गाड़ी अटकाई कहला पुओ
ମୋ ନାତି ସହରରେ ଥାଏ, ତା ପାଇଁ କିଛି ମିଠେଇ ତିଆରି କରିଥିଲି। ତା ଜେଜେବାପା ମିଠେଇ ତକ ଧରି ଆଜି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବେମାରରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ସହରରେ ପଶିବ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ହଳଦିଆ କାମିଜ ପିନ୍ଧି ପିଲାଟାଏ ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଏ ଡବାଟା ଦେଇଦେବୁ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭାକର ସେଥିରେ ବା କାହିଁକି ଆପତ୍ତି କରନ୍ତା। ସେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲା। ସେ ଦେଖିଲା କାହିଁକି କେଜାଣି ହଳଦିଆ କମିଜ ପିନ୍ଧିଥିବା ପିଲାଟାଏ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଏଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସିପାହୀ ଆସି ତାକୁ ଧରି ପକାଇ ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ମିଠେଇ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି, ପ୍ରଭାକର କହିଲା। ଦେଖିବା କିପରି ମିଠେଇ, ଏହା କହି ସିପାହୀମାନେ ଡବା ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ମିଠେଇ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଠେଇ ତଳେ ଥିଲା କେତୋଟି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ବେଶ ବେଶ, ଆମେ ଆଗରୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲୁ, ସିପାହୀମାନେ କହିଲେ ଓ ତାକୁ ସେମାନେ ହାକିମ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। କ'ଣ ବିଚାର ହେଲା, କାହା ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ସେସବୁ ପ୍ରଭାକର କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା। ତେଣେ କାରାବାସ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଠୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲା। ଦଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତାକୁ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲା। ସେ ତାର ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା। ପ୍ରଭାକର ତାର କାହାଣୀ ଶେଷ କଲା ଓ ହସିଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାରାବାସ କଥା କାହିଁକି ଆମ ଘରେ କହିଲେ ନାହିଁ? କହିବି କହିବି ବୋଲି ସଙ୍କୋଚରେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଲୋକଟିକୁ ପଠାଇ କୁହାଇଦେଲି, ପରେ ଯେପରି ଏ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ନ ହୁଏ, ପ୍ରଭାକର କହିଲା। ଓହୋ, ସେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ପଠାଇଥିଲେ? ଏଥର ସୁପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହସିଲା। ସୁପ୍ରିୟା ବିଦାୟ ନେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରଘୁ ସିଂ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ଝିଅ, ସେ ହୁବଲି ବର ବିଷୟରେ କଥା ଆଜି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଯୌତୁକ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଆଗାମୀକାଲି କହିବି, ଭାବୁଛି ଘର ବିକିଦେବା। ତୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋର ଆଉ ଘର କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁଠି ହେଲେ ଚଳିଯିବି? ବାପା, ସେ କଥା ଅସମ୍ଭବ, ତୁମେ ପ୍ରଭାକର ସହିତ କଥା ପକ୍କା କରିଦିଅ, ସୁପ୍ରିୟା ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ରଘୁ ସିଂହ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ କରି କହିଲେ, ଝିଅ, ପ୍ରଭାକର ଭଲ ପିଲା, ହେଲେ ସେ ଥରେ କାରାଗାର ଯାଇଥିଲା। ବାପା, ମୁଁ ଜାଣେ, ଏହା କହି ସୁପ୍ରିୟା ସବୁ ଗପିଲା। ରଘୁ ସିଂହ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ବେଶ କଥା, ତ ତୋ ମତରେ ମୋ ମତ। ବାପା, ପ୍ରଭାକର ଚୋର ନା ଯିଏ ଯୌତୁକ ମାଗୁଛି ସିଏ ଚୋର, ସୁପ୍ରିୟା ପଚାରିଲା। ରଘୁ ସିଂହ ହସି କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବିବାର କଥା।